स्टडी करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल और मीट्रिक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और कई फंडामेंटल चीजें आपको समझ में आएंगी। एक्चुअली होता क्या है कि जब सरफेस के ऊपर कर्व होता है तो कर्व कुछ इस तरीके का होता है, कर्व्ड फॉर्म में ही रहेगा, सरफेस के ऊपर है। और यहाँ पी और ये क्यू अगर पॉइंट ले लिए जाए तो पी क्यू में दो लेंथ होती है, एक आर्क लेंथ होती है और एक कॉर्ड लेंथ होती है, राइट। अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, यहां से यहां ज्वाइन करा दे, यहां से यहां ज्वाइन करा दे, तो आप पाएंगे कि कॉर्ड पी क्यू है और एक आपका जो है आर्क पी क्यू है। आर्क पी क्यू को हम लोग जनरली डीएस लेते हैं, यानी कि आर्क डिस्टेंस डीएस लिया जाता है, ठीक है। और इसी को निकालेंगे तो इसका पोजिशन वेक्टर हम आर ले लेते हैं और क्यू का पोजिशन वेक्टर आर प्लस डी आर सपोज कर लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन रहता है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका एक फार्मूला बन करके आता है, ठीक। या कोरस्पॉन्डिंग हम आर के कोऑर्डिनेट्स को यूवी भी ले सकते हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को यू प्लस डी यू और वी प्लस डी वी भी ले सकते हैं, ठीक। तो देखिए द नेम मीट्रिक इज असाइन टू द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। आगे चल करके आपको सेकंड फंडामेंटल फॉर्म भी पढ़ना होगा, इसको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कहते हैं। As it is mainly used to calculate the arc length on the surface, arc length on the surface, जैसे कि आपने हेलिक्स पढ़ा था, हेलिक्स के ऊपर जो कर्व बन रहा था, arc on the surface था वो, ठीक है। Let r equal to r u v be the equation of the surface and consider the curve defined by u equal to u t, v equal to v t on the surface. Suppose p and q are two neighborhood points on the curve with position R and R plus delta R, वही नेबरहुड पॉइंट लिए गए हैं PQ, corresponding to the parameters U V and U plus DU, V plus DV respectively. तो आप DR को लिख सकते हैं del R upon del U DU plus del R upon del V DV, क्योंकि total differential के point of view से अगर चाहे तो आप denominator में DT लगा लीजिए इस तरीके से with respect to DT, लेकिन DT DT cancel हो जाएगा। DT DT cancel हो जाने की वजह से आपका ये लिखा जा सकता है dr is equal to del r upon del u into du plus del r upon del v into dv, यानी that's why ये totally हो जाएगा आपके पास r1 du, देखिए बन रहा है r1 du plus r2 dv, r1 du plus r2 dv के फॉर्म का ये आ जाएगा dr आपका छूटेगा, ठीक। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। तो एक्चुअली यहां पर जो आपने dr कैलकुलेट किया है, ये dr है क्या? dr बेसिकली ये pq है, जो pq कॉर्ड pq देख रहे हैं आप, ये dr है, डायरेक्ट डिस्टेंस जो यहां से यहां तक होगी, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर तो आपने r लिया है और इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास r प्लस dr है। वैसे भी अगर oq माइनस op करेंगे, अगर इसको देखा जाए कि pq की लेंथ कितनी होगी, तो oq माइनस op होता है और वो हो जाएगा r प्लस dr माइनस आर, तो कैंसिल होकर डी आर ही बचेगा आपके पास। लेकिन लिमिटिंग केस में अगर देखा जाए, लिमिटिंग केस में देखा जाए तो डी आर और डी एस लगभग सेम हो जाएंगे, क्योंकि डी आर ये लेंथ है आपकी कॉर्ड वाली और आर्क वाली कितनी है डी एस। अगर पी और क्यू बहुत ही नजदीक हो, राइट, तो उसे हम ले सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है। तो इफ डी एस इज द लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू ध्यान दीजिएगा, ऑफ द कर्व ज्वाइनिंग थ्रू पी एंड क्यू, वी हैव ds square is equal to, actually मैं लिखा इसको यूं जाता है कि ds square, right? That is ds, ठीक, और ये ds दो बार हो गया, और वेक्टर फॉर्म में होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं हम लोग, तो dr डॉट dr हो जाएगा, और dr डॉट dr को हम लोग dr का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही dr का होल स्क्वायर लिखा गया है, और dr आपने जो कैलकुलेट किया है वेक्टर dr, वेक्टर डी आर जो आपने कैलकुलेट किया वो आर वन जैसे वेक्टर है, ध्यान रखिएगा आर वन डी यू प्लस आर टू डी वी का होल स्क्वायर, दैट इज आर वन स्क्वायर। आर वन स्क्वायर का मतलब है आर वन डॉट आर वन, आर वन स्क्वायर का मतलब यहाँ पर आप याद रखिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर वन स्क्वायर, आर वन डॉट आर वन, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस टू, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन किया गया है, प्लस टू R1 R2 DU DV और ये R2 स्क्वायर DV स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे विद द नोटेशंस, R1 डॉट R1 दैट इज R1 स्क्वायर को हम E सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं और R1 डॉट R2 को हम F करेंगे और R2 डॉट R2 को हम G करेंगे, यानी R2 स्क्वायर को,
क्लियर द रिलेशन वन बिकम्स, तो ये जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, ds स्क्वायर, ये ds स्क्वायर यहां आ गया, edu स्क्वायर प्लस 2fdu dv प्लस gdv स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को ही हम लोग फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म या मीट्रिक ऑफ द सरफेस कहते हैं। देखिए आगे, द क्वाड्रेटिक फॉर्म edu स्क्वायर प्लस 2fdu dv प्लस gdv स्क्वायर इज कॉल्ड द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म और मीट्रिक ऑफ द सरफेस एंड द क्वांटिटीज efg आर कॉल्ड द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। क्या कहते हैं efg को, efg आर कॉल्ड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट्स भी कहा जाता है इनको, ठीक। तो आप ये बात याद रखिएगा। और यहां पर एक वेक्टर आइडेंटिटी है जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ा है, r1 क्रॉस r2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r1 डॉट r2 होल स्क्वायर। और r1 क्रॉस r2 आपने कल पढ़ा था, ये आपका जो है h के इक्वल है इसका मैग्नीट्यूड। तो ये एक्चुअली में r1 डॉट जो r1 क्रॉस r2 है, R1 क्रॉस R2 का होल स्क्वायर है, तो ये डॉट प्रोडक्ट में ही लिखा जाएगा वो चीज, ठीक। तो अगर हम इसको यहाँ पर मान लीजिए स्क्वायर करते हैं तो H स्क्वायर कितना हो जाएगा, R1 क्रॉस R2 डॉट R1 क्रॉस R2, दो बार ये चीज आ गई आपके पास, दिस होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिप्लेस बाई H स्क्वायर लेफ्ट साइड, और ये R1 स्क्वायर का मतलब E, R2 का G और R1 डॉट R2 F हो जाएगा। तो एक आइडेंटिटी हमें मिल जाती है यहाँ पर, H स्क्वायर इक्वल टू Eg minus F square। तो आई थिंक इतना समझ में आपको आ गया होगा। सिंस H इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी देयरफॉर Eg minus F square, square है ना H यहाँ पर, Eg minus F square is always positive quantity। वैसे भी देखिए मैग्नीट्यूड लगा हुआ है H में, H क्या है R1 plus R2 का मॉड है, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर Eg minus F square is always positive quantity and H is equal to under root E square under root eg minus f square, under root eg minus f square is a positive at every regular point, हर regular point पे ये positive रहेगा, ठीक। एक बात ये याद रखिएगा। तो result हमने बता दिया, first fundamental form किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा आपको, या metric of the surface किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग कि properties of the metric of a surface क्या होती है। The metric or the first fundamental form is a positive definite quadratic form in DU DV। इसको आप याद रखिएगा, क्यों ये positive definite होता है जो metric आपका है। दूसरा, दूसरी property ये है, the metric remains invariant over the proper parametric transformation applied to the surface although first fundamental magnitude changes। होता क्या है कि जो formula भी आपने ऊपर पढ़ा, ds square is equal to e du square plus 2 ef du dv du dv और edu square plus 2 df square plus g 2f du dv है, यहाँ पर ef नहीं है 2f है, ठीक, 2f du dv plus g dv square, ठीक। तो यहाँ पर e की वैल्यू पता है आपको, f की भी और g की। तो होता क्या है कि अगर आप यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जैसे यहाँ हिंट के तौर पे देख लीजिए, U डैश रखा UV के फॉर्म में और V डैश रखा UV के फॉर्म में, यानी कुल मिला के आप यूं कह दीजिए कि U को हम लोग U डैश V डैश का फंक्शन लेने जा रहे हैं और V को भी हम लोग फंक्शन लेने जा रहे हैं किसका, U डैश और V डैश का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने पर क्या होता है कि लेंथ नहीं चेंज होती, आर्क नहीं बदल जाएगी, यानी अगर आप निकालेंगे ds डैश स्क्वायर और ds स्क्वायर वो दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो लेंथ नहीं चेंज होती, लेकिन हाँ चेंज हो जाता है क्या, e चेंज हो सकता है, f चेंज हो सकता है और g चेंज हो सकता है। तो फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड चेंज हो सकते हैं लेकिन मीट्रिक रिमेन्स इनवेरियंट, द मीट्रिक रिमेन्स इनवेरियंट ओवर द प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड टू द सर्फेस ऑल्दो फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड चेंजेस, फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड आपके चेंज हो जाते हैं और डिस्टेंस हमारी चेंज नहीं होती, यानी आर्क लेंथ चेंज नहीं होती, ये आपको याद रखना होगा। अब आते हैं एंगल बिटवीन पैरामीट्रिक कर्व्स एंड द एलिमेंट्री एरिया। जैसे मान लीजिए दो कर्व हैं सरफेस पे, जैसे कल आपने देखा था दो कर्व थे, एक बार हम रिकॉल करते हैं आपको, ये जो दो कर्व आपने कल बनाए थे तो उसमें सिलेंडर पर वो 90 डिग्री पर थे आपके, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कल जो बना था इसमें R1 और R2,
R1 और R2, R1 याद है आपका U कर्व के अलोंग टेंजेंट था और R2 V कर्व के अलोंग टेंजेंट है। ये 90 डिग्री का है, लेकिन हर सरफेस पे जब आपकी ये पैरामेट्रिक कर्व्स बनेंगे, स्पेशल कर्व्स ये बनेंगे, तो वो हमेशा 90 डिग्री नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उनमें एंगल होगा। तो अगर एक की डायरेक्शन आप ये R1 लेते हैं और दूसरे की डायरेक्शन जो है उसी पॉइंट पर आप R2 ले रहे हैं, ये और इनके बीच का एंगल आप W ले लेते हैं सपोज करिए, तो cos W का जो फार्मूला होगा वो आपको याद रखना होगा, R1 डॉट R2 अपॉन में वेक्टर R1 अपॉन वेक्टर R2 का मॉड, यानी F अपॉन रूट EG आ जाएगा, F अपॉन रूट EG होगा। उसी तरीके से साइन W की जो वैल्यू होगी वो निकालेंगे आप, तो H अपॉन रूट EG आ जाएगा। H का मतलब अंडर रूट EG माइनस F स्क्वायर अपॉन EG हो जाएगी। फार्मूले हैं, आपको याद रखना होगा। और अगर टेन डब्ल्यू निकालेंगे यानी साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो एच अपॉन एफ आ जाएगा, राइट। अब ये बताइए कि डब्ल्यू 90 कब हो सकता है, 90 डिग्री? अगर देखिए तो ये इन्फिनिटी होना चाहिए, टेन इन्फिनिटी होगा तभी तो पाई बाई टू आएगा डब्ल्यू की वैल्यू, यानी एफ को क्या होना चाहिए, एफ अगर 0 हो जाए, और ये याद होगा आपको क्या था, R1 डॉट R2 को ही तो एफ कहते हैं, राइट। तो एफ 0 कहिए या R1 डॉट R2 0 कहिए तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो फ्रॉम 3 वी सी दैट एफ इज इक्वल टू 0 इज द कंडीशन फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ द पैरामीट्रिक कर्व्स एट राइट एंगल्स, यानी राइट एंगल पे पैरामीट्रिक कर्व्स जब इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर एफ क्या होगा, 0 होगा। या कन्वर्सली कहते हैं, दे विल कट एट द राइट एंगल्स एट ऑल पॉइंट्स इफ एफ इज इक्वल टू 0 ओवर द सर्फेस, इन दिस केस द कर्व्स आर सेट टू फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। इस फॉर्म में कहेंगे कि हमारा जो कर्व है वो ऑर्थोगोनल सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। हेंस एफ इज इक्वल टू 0 इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द पैरामीट्रिक कर्व्स मे फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो ऑर्थोगोनल सिस्टम के लिए एफ हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो एरिया भी निकाल सकते हैं। सरफेस पे कर्व बने हुए हैं आपकी, ये सरफेस पे कर्व है इस तरीके से, एक पी है, कोऑर्डिनेट एक क्यू है और ये आपका आर है, यहाँ पर ऐसे सबके अपने अपने पोजिशन वेक्टर्स है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, एरिया, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, बस आप इसको याद रखिए, एरिया को जो फार्मूला होगा डबल इंटीग्रल एच डी यू डी वी आएगा अंडर द प्रॉपर लिमिट्स, अंडर द प्रॉपर लिमिट्स फॉर एलिमेंट ऑफ एन एरिया, राइट। इसमें पी क्यू आर एस हमने लिया हुआ है विद द वर्टिसेस यू वी, एक का पहले वाले का यू वी लिया, यू प्लस डी यू लिया, यू प्लस डी यू, वी प्लस डी वी एंड यू कॉमा वी प्लस डी वी, ये वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट्स है और वेक्टर का फॉर्मूला लगा करके इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास डी एस इज इक्वल टू है डबल इंटीग्रल एच डी यू डी वी। ये सरफेस पर किसी कर्व के लिए एरिया निकालने, कर्व से घिरा हुआ क्षेत्र यानी जो है पूरा ओवरऑल एरिया, क्लोज्ड एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब जो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं आपके, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, उसमें सिंपल पूछते हैं कि ई निकालिए, एफ निकालिए, जी एच निकालिए फॉर द पैराबोलॉइड, ये दे दिया इन्होंने, ठीक। तो आर की वैल्यू, आर तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक्स वाई ये जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करने के बाद आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे R1 और R2, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू एंड विद रिस्पेक्ट टू वी। अब E क्या होता है, अभी हमने आपको फार्मूला ऊपर बताया कि E इज इक्वल टू R1 डॉट R2, तो R1 डॉट R1 दैट इज R1 का स्क्वायर, ठीक है, R1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये R1 है आपके पास, अगर आप R1 डॉट R1 निकालेंगे तो दो बार आपको लिखना होगा 102U और 102U। अब आई आई का कोफिशियंट जैसे करते थे जे जे का, तो फर्स्ट फर्स्ट पुल से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 0 प्लस 4 U स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 4 U स्क्वायर आ जाएगा। देखिए आ गया यहाँ पर, ई भी आ गया, एफ भी आ गया, एफ की वैल्यू आ रही है, अब 0 नहीं आया, यानी सिस्टम जो बनेगा कर्व्स का वो ऑर्थोगोनल नहीं होगा। जी भी आ गया आपका, एच भी आ गया, तो इस तरीके से ये निकाला जा सकता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप अपने आप करिए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें आपकी, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे कि MCQ के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 8th है, 7th है और 6th है, बस इन्हें आप
करिए, इससे ज्यादा इसमें नहीं करना है क्योंकि छोटे छोटी प्रॉब्लम्स है ये, और यही अधिकतर ये पूछी जाती है। तो आई थिंक ये आज का लेक्चर भी पूरा समझ में आप आगे।